शाहजहांपुर में जमौर औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल सड़कें नए निवेशकों के आने पर ब्रेक लगा रही हैं। सड़कों के गड्ढे देख निवेशकों का मन खट्टा हो रहा है। उनका कच्चा माल इन सड़कों से कैसे आएगा और तैयार माल की सप्लाई कैसे होगी, यह सवाल उठ रहे हैं। इसी के चलते सालों बाद भी जमौर औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से आबाद नहीं हो पाया है और आज भी यहां बड़ी संख्या में प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। दरअसल एक तरफ ज़िले में इन्वेस्टर्स समिट के जरिए निवेश के लिए कारोबारियों को आमंत्रित किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जमौर औद्योगिक क्षेत्र बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। बरेली मोड़ से कांट रोड के बीच सैकड़ों एकड़ में जमौर औद्योगिक क्षेत्र बसा है। साल 2000 के आसपास से इसका विकास होना शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका है। अब भी 50 औद्योगिक प्लॉट यहाँ खाली पड़े हैं। क्षेत्र में कुल 321 उद्योग स्थापित होने हैं, लेकिन इतना लंबा समय बीतने के बाद भी 271 उद्योग ही आ सके हैं। उद्यमियों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें चमाचम होनी चाहिए, लेकिन यहां तो औद्योगिक क्षेत्र की सभी सड़कें बदहाल हैं। औद्योगिक क्षेत्र में तमाम श्रमिक भी आते जाते हैं, ऐसे में चोटिल होने का खतरा बना रहता है। सबसे ज़्यादा परेशानी रात के समय उस दौरान होती है जब किसी कारण अंधेरा हो जाए, जबकि बारिश के दिनों में लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल का कहना है कि सड़कों की हालत कई साल से खराब है। उद्यमी कई बार सड़कें बनवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। खराब सड़कों के चलते उद्यमियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण बरेली के क्षेत्रीय प्रबंधक मंसूर कटियार ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए टेंडर हो गया है। जनवरी में सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा, इसके बाद उद्यमियों को दिक्कत नहीं होगी।